मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में साल 2015 से पहले एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। ये घोटाला ना तो पैसों का था और ना ही किसी पद के लिए। ये घोटाला हुआ था परीक्षा में पास कराने के लिए, जिसके लिए घूस दी गई, जिसने विश्वविद्यालय की साख पर पट्टा लगा दिया। अब इस मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मार्च 2018 में MBBS की उत्तर पुस्तिका बदलने के मामले में विश्वविद्यालय के 3 अधिकारियों को दायित्व में लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया गया है, जिसके लिए मोटी रकम वसूली गई थी। दरअसल 17 मार्च 2018 को STF ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 3 कर्मचारियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने खुलासा किया कि छात्र नेता कविराज एक बड़े घोटाले में शामिल था। कविराज MBBS की कॉपियां बाहर से लिखवा कर बदल देता था। इसके लिए छात्र की पुरानी कॉपी का कवर लेकर बाहर से लिखी गई कॉपियों पर चिपकाई जाती थी, जिसके लिए गोपनीय विभाग और CCSU के अधिकारियों का एक सिंडिकेट काम कर रहा था। इस गंभीर मामले की जाँच SIT को सौंपी गयी। SIT ने 2015 से 2018 तक उत्तर पुस्तिका विभाग में तैनात 31 कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसकी जांच रिपोर्ट में 3 अधिकारी दोषी पाए गए। STF की जांच रिपोर्ट में जो लोग लापरवाह और दोषी पाए गए उनके नाम हैं: पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण प्रसाद, पूर्व उप कुल सचिव BP कौशल, सहायक कुल सचिव संजीव कुमार। प्रशासन ने 3 अधिकारियों की तैनाती के बारे में CCSU से जवाब मांगा है। संजीव कुमार जी हैं, उनको उन्होंने कहा है कि लापरवाही का दोषी मानते हुए लापरवाही चिन्हांकित हुई है, तो उसमें उनके कहां कहां तैनात हैं उसके संदर्भ में एक सूचना मांगी गई है, जो विश्वविद्यालय उस सूचना को तैयार करके शीघ्र उनको प्रेषित कर रहा है। तमाम जानकारियां होने के बावजूद इन अधिकारियों ने लापरवाही बरती और इसी का नतीजा ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में MBBS कॉपी घोटाला हो गया और विश्वविद्यालय की साख को भी कहीं ना कहीं इससे बट्टा लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।